चॉकलेट, चॉकलेट सबको पसंद होती है, तो इसी चॉकलेट से आज हमने बनाया है डार्क चॉकलेट ट्रफल केक, जो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है पर ये खाने में तो और भी सॉफ्ट बना था और टेस्टी भी लग रहा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने नोज़ल, आपको लगता होगा कि मैंने नोज़ल से फ्लावर बनाए, बट नहीं, नोज़ल से नहीं बनाए फ्लावर। तो हमने कैसे ये फ्लावर डिज़ाइन तैयार किया है वो देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चॉकलेट ट्रफल केक। तो फ्रेंड्स, हाय, आई एम भाग्यश्री, वेलकम टू कुक विद शगुन। सबसे पहले आप क्या करिए, मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केक। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है और उसमें मैंने आधा कप दूध डाला है। ये दूध एकदम रूम टेम्परेचर वाला है। अब हमें इस दूध को फाड़ना है, तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच, यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर डाला है और उसको मिक्स करूँगी और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए रहने दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा दूध एकदम, हमें जो फटा हुआ चाहिए वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है और यहाँ पे मैंने 1 कप जो मैदा है वो लिया है और इसमें 3 बड़ी चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है। ये कोको पाउडर मीठा नहीं है, यानी स्वीट नहीं है। इसमें मैंने डाला है 2 चुटकी नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच जो बेकिंग सोडा आता है, खाने का सोडा, वो डाला है और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। उसके बाद हम सब इसको छान लेंगे। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड। 1/4 कप मैंने डार्क कंपाउंड लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। जो ऑयल लेना है वो एकदम स्मेल वाला, यानी फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ हमारा जो ये मिल्क था वो भी फट चुका है, तो उसके ऊपर मैंने एक छन्नी रखी है बाउल में और यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर डाली है, 1/2 कप डाली है। ये पाउडर शुगर मैंने घर पे ही बनाई थी, चीनी को मैंने मिक्सी जार में चला लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हम मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा कि शुगर इसमें पिघल जाएगी अच्छी तरह से। अब हमें क्या करना है, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसमें हम धीरे धीरे करके ये जो हमारा फटा हुआ दूध है वो डालेंगे और इसको हमें ऐसे कट एंड फोल्ड की मेथड से मिक्स करना है और एक अच्छा सा हम बैटर तैयार करेंगे। और धीरे धीरे जो दूध है उसको डालेंगे और ऐसे बैटर हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1/2 कप और मिल्क लिया था, उसको भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो बस हमारा ये बैटर है जो केक का, वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 6 इंच का एक केक टिन लेना है और इसके ऊपर जो ऑयल है वो हमें ग्रीस कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद जो मैदा है वो हमने इसमें फैला लिया था और जो एक्स्ट्रा मैदा था वो मैंने निकाल दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो केक बैटर है वो तैयार हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहो तो आपके पास जो बेकिंग पेपर होता है वो, उससे भी आप ये यहाँ पे केक टिन पे लाइन कर सकते हो। उसके बाद हम केक टिन को टैप करेंगे 4 से 5 बार, इसमें से जितना भी एयर हो वो निकल जाए। उसके बाद हमारी जो कढ़ाई थी प्री हीट की हुई, उसमें हमारा जो केक टिन है हम रख देंगे और ढक्कन ढकने के बाद हम इसे 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे। गैस की आँच हमें यहाँ पे एकदम लो रखनी है। सबसे पहले 10 मिनट हम यहाँ पे मीडियम आँच पे पकाएंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। तो 45 मिनट्स के बाद हमारी जो केक है एकदम परफेक्टली बेक हो चुकी है। चाकू की मदद से आप उसे चेक भी कर सकते हो। अगर आपका चाकू या टूथपिक एकदम क्लियर आए तो समझना कि आपकी केक कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, तब तक ठंडा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल टी कप लिया। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे नोज़ल तैयार करने वाले हैं। जी हाँ, जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज हम कोई नोज़ल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आज हम घर पे ही नोज़ल बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैं वीडियो में ये जो हमारा कप है चाय का,
उसको मैं कैसे कट कर रही हूँ, आप उसी तरह से इसको कट कर लीजिए और जो नीचे का भाग है, पोर्शन है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बीच से उसको कट कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे नोज़ल तैयार कर सकते हो बिना कोई खर्चा किए। तो यहाँ पे हमें एकदम प्लेन जो हमारा कागज़ है वो मिल चुका है। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा जो था वो मैंने कैंची की मदद से कट कर लिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको कोन की तरह नहीं बनाना है, हम यहाँ पे बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट देके राउंड कर लेंगे। देख सकते हो आप वीडियो में मैंने कैसे किया है, बस इसी तरह से मैं उसको राउंड राउंड घुमा के उसको ऐसे बना दूंगी। बस उसके बाद हमें क्या करना है, जो नीचे का जो पार्ट है पोर्शन, उसको मैं कातर की मदद से, कैंची की मदद से उसको कट कर लूँगी और एक अच्छी तरह से उसको फिनिशिंग देने के बाद मैं उसको सेलो टेप की मदद से चिपका दूँगी। जो नोज़ल लगाई थी उसमें कैसे जिगजग था, इसी तरह से हम इसमें भी जिगजग लगा देंगे और इसी तरह से हम ये नोज़ल भी तैयार कर लेंगे। चॉकलेट गनाश के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सॉस पैन में 2 ग्लास पानी गरम किया है और यहाँ पे जो मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है वो 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम यहाँ पे हम लो रखेंगे और हमारा जो कंपाउंड है उसको मेल्ट होने देंगे। जब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब उसमें यहाँ पर मैंने 250 ml जो अमूल का फ्रेश क्रीम आता है वो लिया है, वो हम पूरा डाल देंगे उसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम तुरंत ही यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाने देंगे। मिक्स हो जाने के बाद हमारा जो जो चॉकलेट गनाश है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप बटर भी डाल सकते हो, यानी बटर आप यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बटर डाल दीजिए तो हमारा चॉकलेट गनाश एकदम कम्प्लीटली हो जाएगा। अगर आपको नहीं डालना है तो भी कोई बात नहीं। और हमारा दूसरी तरफ केक जो है वो एकदम ठंडा हो चुका है तो हम इसको डीमोल्ट कर देंगे। तो देख सकते हो आप हमारा जो ये केक है वो टिन को चिपका भी नहीं है और अच्छी तरह से वो बेक भी हो चुका है और एकदम सॉफ्ट भी बना है। तो चलिए अब जो हमारा केक का टॉप पोर्शन है उसको हम हटा लेंगे और केक को मैंने यहाँ पर 2 लेयर में डिवाइड किया है, आप चाहो तो उसको 3 लेयर में भी डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए अच्छी तरह से हम केक को 2 लेयर में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड लिया है तो उसके ऊपर मैंने एक गनाश लगा दिया है थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि हमारा केक का जो बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर था वो मैंने रख दिया है और उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप अप्लाई किया है। शुगर सिरप यहाँ पे ज़्यादा हमें अप्लाई करना है क्योंकि ये चॉकलेट केक है, वनीला केक के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें शुगर सिरप ज़्यादा अप्लाई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा चॉकलेट गनाश था वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे केक के ऊपर। तो अच्छी तरह से जो हमारा चॉकलेट गनाश है वो एकदम अप्लाई हो चुका है केक के फर्स्ट लेयर पे। अब हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा लेयर था वो इसके ऊपर रखेंगे और सेम ही प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे जो लेयर है उसके ऊपर भी हमने हमारा जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रश की मदद से
और या चम्मच की मदद से आप इसको अच्छी तरह से इसमें फैला सकते हो। और उसके ऊपर हमने फिर से ये हमारा जो चॉकलेट गनाश था उसका हमें यहाँ पे अच्छी तरह से एक लेयर करना है, उसको स्प्रेड करना है। तो अच्छी तरह से आप कर लीजिए और केक को अच्छी तरह से फिर से हमें चारों ओर केक को कवर करना है, हमारी ये गनाश है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक ग्लास में गरम पानी लिया था और इसमें जो हमारा जो पैलेट नाइफ़ है उसको मैंने उसमें डिप किया था। उसके बाद मैं जो केक है उसके उसको एक अच्छा सा फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम चॉकलेट गनाश को हम केक पे डालते हैं, लगाते हैं, तब उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। तो उसके लिए हमें ऐसे ही करना होता है, गर्म पानी में पैलेट नाइफ को डुबो के और उसको एक फिनिशिंग देते हैं पैलेट नाइफ की मदद से। और यहाँ पे जो हमारा गनाश बच चुका था उसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अब हम इसको पाइपिंग बैग में डालना है और डिज़ाइन तैयार करनी है। तो थोड़ा सा हमें उसको रेस्ट देना होगा फ्रिज में। उसके बाद जो हमने नोज़ल तैयार की थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और उसमें मैंने जो हमारा चॉकलेट गनाश था वो फिल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्लावर केक डिज़ाइन केक पर तैयार कर रही हूँ। तो देख सकते हो कि बिना नोज़ल के घर पे बनाए नोज़ल से कितनी अच्छी तरह से ये डिज़ाइन फ्लावर की बनती है। तो आप इसी तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करना और देखना, आपको एक अच्छा सा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको नोज़ल का ख़र्चा नहीं करना है और आप रोज़ केक भी रोज़ यानी कि कभी भी कभी कभी केक बनाते हो तो आप ऐसा कर सकते हो घर पे नोज़ल बना के, तो बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। तो आप एक बार ज़रूर इसको घर पे ट्राई करना। और केक भी बहुत ही अच्छी बनी थी, एकदम सॉफ्ट वाली बनी थी। तो यहाँ पे मैं और केक को अच्छा दिखे इसीलिए यहाँ पे मैं एडिबल शुगर जो गोल्डन बॉल्स आते हैं उससे मैंने उसको डेकोर किया है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी और देखने में बहुत सुंदर लग रही है केक। तो आप घर पे ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना। और आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में उसको शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।